हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर टू दोस्तों हमारा चल रहा है। इसमें इसके पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो पुष्पीय पौधे होते हैं यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए बेसिकली यदि हम बात करते हैं लैंगिक जनन की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखिए लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें आपस में गैमेट का निर्माण होता है और ये युग्मक एक कोशिका वाले या कभी कभी केवल एक केंद्रक वाले बने हो सकते हैं। देखिए लैंगिक जनन यदि आप पढ़ रहे हो इसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें गैमेट का निर्माण होता है यानी इसमें युग्मक बनते हैं आपस में। यदि मेल है तो उसमें से मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल यदि कोई है तो उससे फीमेल गैमेट बनेंगे, यानी इसमें मुख्य रूप से गैमेट का निर्माण होता है यानी युग्मक का निर्माण होता है। और आपस में जो युग्मक होते हैं वो केवल एक कोशिका वाले हो सकते हैं, यानी युग्मक जो होते हैं वो हमेशा आगुणित होते हैं और कभी कभी ये एक केंद्रक वाले भी हो सकते हैं। देखिए इस जनन में क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं ये युग्मक आपस में मिल करके एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जायगोट या युग्मनज कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है यदि हम लैंगिक जनन की पढ़ते हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो आपस में गैमेट होते हैं गैमेट आपस में मिल करके एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी आपस में गैमेट मिल करके जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं और उससे क्या होता है कि एक नया जीव यानी कि नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपस में गैमेट बनते हैं और गैमेट आपस में मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं यानी कि जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर जायगोट या युग्मनज जो है वह विकसित होकर के नए पौधे यानी कि नए जीव का विकास कर लेते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है कि यदि लैंगिक जनन हो रहा है तो उसमें निषेचन जरूर होगा, क्योंकि आपस में नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो जब नर युग्मक व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो लैंगिक जनन में तीन चीजें होती है, सबसे पहला तो गैमेट का निर्माण होता है, दूसरी बात क्या है, निषेचन होता है, और तीसरा क्या है कि समसूत्री विभाजन होता है। यदि लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में यह आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो लैंगिक जनन होता है उसमें केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। देखिए जो विकसित पादप होते हैं, विकसित पादपों में केवल दो ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक यानी कि मेल गैमेट, और दूसरा कौन सा गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट। और जब आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। देखिए जो भी उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, बेसिकली यदि हम बात करते हैं आवृतबीजी पौधों की, तो ये उच्च वर्गीय पौधे होते हैं। जैसे आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें पुष्प जो होता है वो प्रमुख प्रजनन अंग होता है, मतलब पुष्प ही प्रमुख जनन भाग होते हैं, पुष्प में ही दोनों जनन भाग होते हैं जो कि अत्यधिक विकसित होते हैं। और इन पौधों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए यदि लैंगिक जनन हो रहा है तो उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं, बेसिकली जो आवृतबीजी पादप होते हैं, उनमें कई सारे अनुकूलन देखने को मिलते हैं जिस कारण से बीज या पौधे जो है कि पौधे के जो पुष्प हैं वो अपने आप को कई तरह से रूपांतरित करते हैं और अनुकूलन अपने आप को बनाए रखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या अनुकूलन पाया जाता है आवृतबीजी पादपों में, कि बीजों का निर्माण होना जो कि भ्रूण को सुरक्षित रखने वाली विशिष्ट रचना है। देखिए पहला अनुकूलन क्या पाया जाता है कि जो बीज होते हैं यानी जो सीड होते हैं उनका निर्माण होता है, जो भी आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें ऐसा अनुकूलन पाया जाता है कि उनमें बीजों का निर्माण होता है फल के अंदर और भ्रूण को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, मतलब बीज के अंदर क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, तो भ्रूण को सुरक्षित करने का कार्य किसका होता है, बीजों का होता है। दूसरा अनुकूलन क्या है, देखिए कि जो नर युग्मक होते हैं उनमें गतिशीलता का नहीं पाया जाना, यानी जो नर युग्मक होते हैं उनमें बिल्कुल किसी भी प्रकार से गतिशीलता नहीं पाई जाती, यानी वो अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। जो नर युग्मक होते हैं वो परागण की क्रिया के द्वारा ही पराग कणों के माध्यम से पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं। देखिए अपने से जो नर युग्मक होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं मादा युग्मक तक, इसके लिए क्या होता है, जब परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के पश्चात जो पराग कण होते हैं वो कहां पहुंचते हैं, मादा जनन भाग तक पहुंचते हैं,
और परागण के पश्चात क्या हो जाता है कि जो नर युग्मक होते हैं वो पराग नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक निषेचन के लिए पहुंच जाते हैं। यानी जब जब परागण हो जाता है उसके पश्चात जो पराग कण होते हैं वो पराग नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, मतलब ये अपने से नहीं पहुंच पाते। पराग नलिका एक माध्यम होती है, इनको इनको वर्तिका से लेके वर्तिका से होते हुए कहां तक पहुंचाने के लिए, मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए पराग नलिका ही क्या करती है, माध्यम का कार्य करती है। देखिए तीसरा अनुकूलन क्या होता है कि इसमें जो युग्मकोद्भिद यानी जो गैमेटोफाइट्स की पीढ़ी होती है वो अत्यंत छोटी होती है तथा यह प्राय युग्मकों के रूप में होती है। जो गैमेटोफाइट्स यानी कि युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है इसमें वो प्राय अत्यंत छोटी होती है तथा यह युग्मकों के रूप में यानी कि गैमेट्स के रूप में ही होती है। देखिए लैंगिक जनन से यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट या क्या क्या लाभ होते हैं वो देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन से देखिए बेसिकली होता क्या है कि लैंगिक जनन में दो विभिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं और दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों के बनने वाले इस संलयन को ही क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं यानी निषेचन कहते हैं। जब आपस में दो युग्मक मिलते हैं इस क्रिया को हम युग्मक संलयन कहते हैं यानी कि निषेचन कहते हैं और इसके फलस्वरूप विभिन्नता पैदा होती है। ये वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लैंगिक जनन से क्या होता है आपस में विभिन्नता पैदा होती है, क्योंकि आपस में दो युग्मक मिलते हैं तो उससे कई सारी विभिन्नता भी देखने को मिलती है जो जीवों के अनुकूलन तथा विकास में भी सहायता करती है, जिससे कई सारा डेवलपमेंट यानी विभिन्नता से ही तो क्या होता है, विकास होता है। दूसरा क्या है कि लैंगिक जनन से जो बनी संततियां होती है उनमें नए गुणों के बनने की संभावना रहती है। यानी जो लैंगिक जनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है आपस में दो प्रकार के युग्मक मिलते हैं तो आपस में जब दो प्रकार के युग्मक होंगे तो कुछ न कुछ नए लक्षणों के बनने की संभावना भी बढ़ती है। तीसरा यहाँ पे प्रॉफिट या लाभ क्या है कि इस प्रजनन से जो बनी संतानें होती है उनमें तीव्र अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। लैंगिक जनन से जो बनी संतानें होती है उनमें तीव्र अनुकूलन करने की यानी अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता जो है विकसित होती है। इसके अलावा लैंगिक जनन से कुछ हानियां भी होती है यानी कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन से पहली हानि क्या होती है कि इस प्रजनन में कुछ जीवों को यदि हम छोड़ दें तो शेष जो जीव होते हैं उनमें जनकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यदि हम बात करें लैंगिक जनन की तो यह प्रक्रिया जो है द्विजनकीय प्रक्रिया है, मतलब जब तक दो आपस में दो जनक के दो युग्मक नहीं मिलेंगे तो लैंगिक जनन की क्रिया नहीं हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि आपस में दो युग्मकों का यानी कि दो जनकों का होना आवश्यक होता है। दूसरी हानि क्या है कि इस प्रजनन से जो बनी संतानें होती है उनमें विभिन्नता अधिक विकसित होती है जिससे मूल गुणों के ह्रास होने की संभावना बढ़ जाती है। और देखिए जब आपस में दो युग्मक मिलेंगे तो उनसे कुछ न कुछ जो है नए गुणों का विकास होगा यानी पुराने गुणों का धीरे धीरे क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में जो मूल गुण होते हैं उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।